तुम मैं भी मैं हूं, बोलो जुबान लाल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब ये भाई साहब गुटखा खा रहे हैं, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है भाई। स्वास्थ्य खराब होगा तो इनका होगा, लेकिन दिक्कत तो तब आ जाती है जब ये गुटखा खा खा कर सारी दीवारों को लाल रंगने का ठेका ले लेते हैं। इसकी वजह से भाई दीवारें तो देखने में बहुत बुरी लगती हैं, तमाम पेंट वगैरह का भी नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जगह जगह थूकने की वजह से तमाम बीमारियां फैलती हैं। भाई थूकने की आदत से मैं खुद बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मुझसे भी ज़्यादा दुखी मेरे घर वाले हैं, लेकिन क्या करूँ, कुछ गलत लोगों की बात मानकर मैं इस चक्कर में पड़ गया। अब ये लत है कि छुटाए नहीं छूटते। अब इसमें पूरी तरह मेरी भी गलती नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? सरकार की भी गलती है। जिस आदमी को पेशाब करना हो उसके लिए पेशाब घर जगह जगह बना दिए, जिस आदमी को पॉटी जाना हो उसके लिए जगह जगह शौचालय बना दिए, लेकिन हमारे जैसे लोग जिनको भाई थूकना होता है उनके लिए भी तो सरकार को जगह जगह पीकदान लगवाने चाहिए थे। बात तो सही है। अगर सरकार इस तरह जगह जगह इन थूकने वाले लोगों के लिए पीकदान लगाने बैठ गई तो लगभग हर 2 फीट की दूरी पर एक पीकदान लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वास्तव में समाज का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो उसके लिए अब मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ गया है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप सबका भला कर सकते हैं। भाई ज्यादा घुमाओ फिराओ मत, सीधे सीधे बताओ कहना क्या चाहते हो। रुको जरा, सब्र करो। एक कंपनी है इजी स्पिट, और इस कंपनी ने इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिससे कि स्पिट की समस्या से निजात मिल सके। इस कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं बिन, जिनको के कहीं दुकानों के या मॉल के बाहर लगाया जा सकता है, जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं वो वहां पर उस बिन में थूक सकते हैं। उसके अलावा इस कंपनी ने पाउचेस बनाए हैं और कप भी बनाए हैं। इन कप में आदमी को जब थूकने की इच्छा हो रही है, वही गुटखा खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, तो वो उसमें थूक सकता है, और एक दो बार नहीं पूरे 40 बार तक इन कप में थूका जा सकता है। उसके अलावा इन कप के ऊपर एक फ्लिप लगा हुआ है जिसको कि आप थूकने के बाद बंद कर सकते हैं। अब इनके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई मैंने कप में मान लो थूक लिया और थूकने के बाद वो कहीं कप लुढ़क गया, गिर गया, तो वो सब में फैल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इन कप को बनाने के लिए इस तरह के ड्राई जेल का यूज किया गया है इनके अंदर, जिसमें कि आप जैसे जैसे थूकते जाते हैं ये जो उसका लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब करके उसको लॉक कर देता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हगीज में सिस्टम होता है उस तरह का। उसके अलावा दूसरी ये चीज भी सोच रहे होंगे कि भाई थूकने के बाद तो हम उसमें दोबारा थूकेंगे, तीसरी बार थूकेंगे तो ढक्कन खोलते ही उसमें से बदबू भी उठेगी। लेकिन उस समस्या के भी समाधान के लिए कंपनी ने जो जेल यूज किया है उसमें इस तरह के फ्लेग्रेंस रखे हैं, इस तरह की क्वालिटी रखी है कि वो किसी तरह की बदबू को बाहर नहीं आने देता, बल्कि उसमें एक बहुत अच्छी स्मेल आती है। इसके अलावा तीसरी चीज मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि इन जो कप्स को बनाया गया है, पाउच को बनाया गया है, इनमें किसी प्लास्टिक मटेरियल का यूज नहीं किया गया। ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब कि आप अगर उसमें थूकने के बाद उसको कहीं फेंक देते हैं, कुछ दिन के बाद वो पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएंगे, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे एक और लगी, जिसके लिए कि भाई इन कप को डिजाइन करने वालों को शाबाशी दी जानी चाहिए, वो चीज है कि इन कप को या इन पाउचेस को जब डिजाइन किया गया है तो इनके अंदर प्लांट के सीड डाल दिए गए हैं, मतलब जब आप उसमें थूकते रहेंगे वो भर जाएगा, और आपने उसको कहीं फेंक दिया तो जहां पर भी कचरा वगैरह पड़ा हुआ है वहां पर वो सीड ग्रो कर जाएगा और वो एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से भाई आप हरियाली भी बढ़ाकर चल सकते हैं। पूरी डिटेल के लिए हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो यहाँ से आ चुके हैं हम इजी स्पिट की साइट पर, यहाँ सारे प्रोडक्ट हमें दिख ही रहे हैं, और इसकी ब्रांडिंग का काम माननीय श्री सुनील सेट्टी जी करके चल रहे हैं। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, जैसा कि पहले नंबर पर हमको यहाँ पर दिख रहा है इनका इजी विन है। उसके अलावा ये पाउच है, और यहाँ पर आपको 20 पाउचेस का जो पैक मिलेगा वो 100 रुपये का मिलेगा। उसके अलावा सिर्फ स्पिट से ही रिलेटेड नहीं, वॉमिटिंग के लिए भी प्रोडक्ट बना के चलते हैं। बहुत सारे लोग आपने भी देखा होगा कि बस मैं बैठे नहीं कि उल्टियां शुरू,
तो ऐसे लोगों को इस तरह के पाउचेस को खरीदना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये 5 पाउचेस का पैक है वॉमिटिंग वाला 100 रुपये का। उसके अलावा ये 10 पाउचेस का पैक है वॉमिटिंग वाला, बड़े साइज का है, 200 रुपये का। अगर स्पिट की बात की जाए तो ये स्पिट कप है, अगर 10 कप को ख़रीदा जाता है तो वो 250 रुपये का आएगा पैक। उसके अलावा जो 30 कप का पैक आ रहा है वो 300 रुपये का आ रहा है। ऐसे समझ सकते हैं कि हमें 10 रुपये का एक कप पड़ जाएगा। उसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ और आते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट का और ज़्यादा डिटेल मिल जाता है। कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर और ज़्यादा वीडियोस को देखकर डिटेल समझ सकते हैं। उसके अलावा भी इस वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन है जो इसके बेनिफिट्स को दर्शाती हैं। यहाँ पर मैं 6 बेनिफिट्स दिखाए गए हैं जिससे कि भाई वर्ल्ड को फ़ायदा होने वाला है, जिसमें पहले नंबर पर आ जाता है कि भाई आपको एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ आप आसानी से थूक सकते हैं, और स्पिट फ्री बर्ड हो जाएगा, पूरी दुनिया में कहीं पर भी थूका था कि नहीं होगी, और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम आएगी, 4 पैसा पर स्पिट के हिसाब से आने वाली है, और रेवेन्यू सेव्ड, यहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, प्राइवेट वो बहुत खर्चा बचेगा भाई जो पोताई में होता है, उसके अलावा साफ़ सफाई में होता है। इसके अलावा जैसे 4th नंबर पे है सेफ सैनिटाइज बर्ड। उसके अलावा 5वें नंबर पर दिखा रहे हैं जनरेट इनकम, कि अगर आप इनका बिन वगैरह लगवाते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल एरिया दिया हुआ है जहाँ पर कि आप किसी कंपनी का एड वगैरह भी लगा सकते हैं, तो वहाँ से आप इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। और 6th नंबर पर आ जाता है वेस्ट टू वैल्यू, मतलब जो चीज़ वेस्ट है आप जिसको थूक देते हैं वहाँ से वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। वैल्यू मतलब वहाँ पर जब प्लांट ग्रो करने लगेंगे तो भाई नेचर को बेनिफिट होगा, और प्लांट तो वास्तव में हमारे लिए वैल्यू है ही। अब इन्हें बताओ कि भाई कोई आदमी ये प्रोडक्ट खरीदेगा क्यों? कहीं पर भी कोना देखकर पीक ना मार देगा। इसको खरीदेंगे देश के जिम्मेदार नागरिक जो अपने समाज का भला चाहते हैं, जो अपने देश का भला चाहते हैं। उसके अलावा जो लोग भाई सफ़र करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, जिनको ज़्यादा देर तक रहना पड़ता है, बसेस में सफ़र करना पड़ता है, ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, तो इस तरह के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के पाउचेस और इस तरह के ये बैग्स। उसके अलावा आपने अब तो बहुत सारी जगह देखा होगा कि जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, या फिर यहाँ थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। तो ऐसी जगह पर भी जो लोग जा रहे हैं गुटखा खाने वाले शौकीन, भाई वो इस तरह के कप्स को और पाउचेस को अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके अलावा जैसे जैसे समाज में अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा इसको परचेज भी करने लगेंगे। उसके अलावा वो लोग भी इनको खरीदना पसंद करेंगे जो लोग भाई बाद में हरियाली को उगाना चाहते हैं, और सरकार भी इनको प्रेफर करके चल रही है। कारण है, इसकी वजह से सरकार का बहुत सारा पैसा बचता है, करोड़ों रुपया हर साल सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट का इसी चीज़ की साफ सफाई में खर्च हो जाता है। तो मान लो अगर मैं डीलरशिप लेना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट की, या फिर इसको थोक में खरीदकर मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डीलरशिप की भी पूरी जानकारी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। अगर आप डीलरशिप लेना चाह रहे हैं या फिर इनके पार्टनर बनना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको 4th नंबर पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, बी अ पार्टनर। यहाँ पहले ही वाला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर एंड फ्रेंचाइजी, आप इस पर क्लिक करके चलिए, आपका ये पेज ओपन हो जाता है। जो भी कप वगैरह रहेंगे वो बल्क में आपके पास इस तरीके से बॉक्सेस में आएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स तो मेंशन करा ही रहा है, आपको सिर्फ ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भी बिल्कुल साधारण सा है, आपको नेम डालना है, अगर आपके कोई फॉर्म है उसका नाम डाल दीजिए, यहाँ पर आप अपना बिजनेस डिटेल डाल दीजिए, आप इसको इंडिविजुअल करना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई ट्रस्ट वगैरह है उसके थ्रू करना चाह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आपका मोबाइल नंबर, मेल आई डी, सिटी, स्टेट, और अगर आपकी कोई क्वेरी है वो आप यहाँ कमेंट में डाल सकते हैं। बस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, कंपनी की टीम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सामान भेज दिया जाएगा। और सिर्फ बात यहीं पर भी नहीं रुकती, कंपनी आपका ब्रांड लीड मार्केटिंग प्रमोशन करके चलती है और आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको सपोर्ट भी करके चलती है। एक सवाल मेरा आपसे भी है, आपको कंपनी का ये जबरदस्त आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे चीज़ तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसका खर्चा कितना आ जाएगा? तो अगर खर्चे की बात की जाए तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बिन लगवा के चल रहा है अपनी शॉप के बाहर, मॉल के बाहर, तो ऐसी जगह पर थूकने का खर्चा एक बार थूकने का मात्र 4 पैसे आएगा। और वहीं आप अपने लिए पर्सनल कोई कप खरीद रहे हैं या पाउच खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 रुपये का एक कप खरीदा, उसमें आप 40 बार तक थूक सकते हैं, तो एक बार थूकने का खर्चा मात्र 25 पैसे आएगा। जब आप 10 रुपए का कोई गुटखा खरीद सकते हो तो भाई थूकने पर आपको 25 पैसे भी खर्च कर ही देने चाहिए। बात तो सही है।
अगर मैं इस प्रोडक्ट की डीलरशिप ले लेता हूँ या फिर मैं इसकी दुकान ही खोल लेता हूँ, तो मैं आखिर इन प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेच सकता हूँ। आप ये पूछिए कि आप इसको स्टार्ट कहाँ नहीं कर सकते। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे बस स्टैंड के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, मॉल्स के बाहर और सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय, सबके बाहर इस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बनी रहेगी। उसके बाहर जितनी भी दुकानों पर ये गुटखा पान मसाला मिलता है, देश में हर जगह से इनकी बिक्री बहुत तेजी से हो सकती है। लेकिन कुछ जगह ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेंगे, जहाँ पर कि भाई थूकने पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। उसके अलावा जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे, इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने गुटखा खाने वालों पर अगर इस प्रोडक्ट को कंपलसरी कर दिया कि अगर आप भाई गुटखा खाओगे तो आपको अपने साथ ये कप या पाउच रखना पड़ेगा, जिसमें कि आप थूक सको, बाहर गंदगी बिल्कुल नहीं करोगे, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रोडक्ट की डिमांड अंधाधुंध हो जाएगी। और अगर आपके जानने में कोई भाई या कोई मित्र ऐसा है जो इस तरह का गुटखा खाने का शौक रखता है, उसके पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।